जल्दी आऊंगा, मैंने कहा था ना जल्दी आऊंगा, आ गया। आज आपके बीच में आके बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोगों से एक ही निवेदन है, हमें सबको मिलके देश को तानाशाही से बचाना है। आप लोगों से एक ही निवेदन है, हमें सबको मिलके देश को तानाशाही से बचाना है। मैं तन मन धन से लड़ रहा हूं, संघर्ष कर रहा हूं तानाशाही के खिलाफ, लेकिन 140 करोड़ लोगों को तानाशाही से लड़ना पड़ेगा। हेलो 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 हेलो, भारत माता की इनकलाब, वंदे। आज आपके बीच में आके बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने कहा था ना जल्दी आऊंगा, आ गया। सबसे पहले मैं हनुमान जी के चरणों में वंदना करना चाहता हूं। हनुमान जी के आशीर्वाद से आज मैं आप सब लोगों के बीच में हूं। देश भर के करोड़ों करोड़ों लोगों ने अपनी दुआएं, अपना आशीर्वाद मुझे भेजा। मैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जिनकी वजह से आज मैं आप लोगों के बीच में हूं। आप लोगों से एक ही निवेदन है, हमें सबको मिलके देश को तानाशाही से बचाना है। मैं तन मन धन से लड़ रहा हूं, संघर्ष कर रहा हूं तानाशाही के खिलाफ, लेकिन 140 करोड़ लोगों को तानाशाही से लड़ना पड़ेगा। आज आपके बीच में आके बहुत अच्छा लग रहा है। कल सवेरे 11 बजे कनॉट प्लेस हनुमान मंदिर में मिलेंगे। हनुमान मंदिर के हनुमान जी के आशीर्वाद लेने जाएंगे, हनुमान जी के दर्शन करने जाएंगे। और कल एक बजे पार्टी ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। कल 11 बजे कनॉट प्लेस हनुमान मंदिर में सब लोग आना, ज्यादा से ज्यादा हनुमान जी के दर्शन करेंगे। और 1 बजे पार्टी ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। आप सब लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। ये देश केवल हमारा नहीं है, ये देश 140 करोड़ लोगों का है। और आज मैं बीजेपी वालों को कहना भी चाहता हूं, समय का चक्र घूमता है, समय बड़ा बलवान है, अहंकार मत करो,
भगवान ना करे कल समय का चक्र जब घूमेगा और तुम इधर होगे और हम उधर होएंगे, कहीं ऐसा ना हो कि यही कानून तुमको खाने के लिए दौड़े उसने। मैंने कहा था ना जल्दी आऊंगा, आ गया। आज आपके बीच में आके बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोगों से एक ही निवेदन है, हमें सबको मिलके देश को तानाशाही से बचाना है।